Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. आज है भाई अपना सेकेंड डे हिमाचल प्रदेश में और अब मतलब मैं आ चुका हूँ और लोकेशन सामने बहुत ही प्यारा है जो कि मैं दिखाना चाहूंगा। इस मोमेंट को फील करो बस आप, क्या ही मोमेंट है ना। लड़की मुझे ब्लॉग बनाने नहीं देगी। हाँ जी, तो भाई मैं नहा धो के आ चुका हूँ एकदम, और अभी चेंज करते हैं और अभी चल रहे हैं हम। कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बताया था? मिनी वो तो बाद में कह रहे थे ना भाई, मुझे नहीं याद है। अभी गौरी और प्रशांत भाई ने कुछ सिलेक्ट किया है जगह जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, और बिस्तर को इग्नोर करो, अभी ऐसी तैसी हो रखी है। तो चलो कपड़े पहनते हैं, चलते हैं। संभाल लगा लो, अच्छे सनस्क्रीन अब लगा रहे हैं अपन। सिरम सिरम सिरम, हाँ सिरम हो गया, अब लगा रहे हैं अपन। बाल को भी खेल के रखना है। ओके, परफ्यूम इज टी शर्ट। यस, तो ये हमारा नया टी शर्ट जो कि इसके टैग भी अभी लग रहे हैं, अभी टैग तक नहीं हटाया मैंने। बताओ मैम, टी शर्ट कैसी है मास्क की? क्वालिटी अच्छी है यार, मास अच्छे कपड़े लाते हैं, अब अच्छा कपड़ा पहनता है मास, क्योंकि मास के लाइफ में आ चुकी है। कोई नहीं है, मजाक करो। और अरे जींस तो पहना ही नहीं भाई, तुमको बताओ मैं, ये इसके भी टैग अभी ऐसे लग रहे हैं, जींस नहीं है बेसिकली ये। कमेंट के लिए अंदर मत आना, एक मिनट में गेट लॉक कर दे। यस, ये सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और मेरा एक आउटफिट एक बार देख लो तुम, कुछ ये इस तरह से है, अभी अच्छे से दिखाऊंगा। तो फाइनली रेडी हो गए। अरे यार लिप बम नहीं लगा, मैं अभी लगाता हूँ। और लोकेशन तुम देख सकते हो भाई, क्या ही मस्त नज़ारा है यार, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, बट बहुत बहुत ऑसम लोकेशन है। और यार मैं कितना स्मार्ट लग रहा, कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा, तुम देखो एक बार। अरे चलो अब क्या करते हैं अपन, लिप बम लगाते हैं, परफ्यूम लगा ही लिया। ओके, परफ्यूम थोड़ा सा कपड़े के ऊपर ही मार लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बॉडी में लगाया है। फाइनली मैं रेडी हो गया, और कल मैंने ये घड़ी पहनी थी तो अभी मैं ये पहनने वाला हूँ। चलो भाई मैं तो रेडी हो गया, अब उन लोगों को देखते हैं वो लोग रेडी हुए नहीं हुए। रेडी नहीं हो गया तुम लोग? गौरी बताना मास्क कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, तुम भी अच्छी लग रही हो यार, इधर देखा। आय हाय क्या ही गंदी लग रही है। अरे यार बहुत बढ़िया लग रहा है, पैर किसके काले काले से ज्यादा गोरे हैं। क्या 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 बकवास कर रहा हूँ मैं, तेरी देख के लिपस्टिक कैसे फैला रही है। तो बताना सही लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है, देख के बताना। अच्छा लग रहा है, तेरे को अब मेरे से प्यार ही नहीं है, मुझे पता है। मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, इसलिए मुझे तेरे से प्यार खत्म हो गया। ऐसे दिल तो उठ रहे, देख रहे हो, कह रही मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड बन चुका है इसलिए तेरे से प्यार खत्म हो गया। मजाक कर रहा हूँ, बट हम अच्छे दोस्त हैं गौरी, अच्छे दोस्त हैं। नहीं बता ना, दोस्त अच्छे हम नहीं है। बेटा है तू मेरे लिए, बेटा बेटा हूँ मैं इसके लिए। ओके मम्मा दो प्लस। कह रहे कितना आ रहा यार, फन है क्या वो जो? हाँ उसको तो मैंने बाहर कर दिया, वो तो बेचारा मर जाएगा अभी। ओके अभी हम रेडी हो गए, ये लोग भी रेडी हो गए। प्रसन्न भाई कहाँ है? वो तो कह रहे थे नहीं नहाऊंगा, डर लगी। बताओ यार बताओ यार, यहाँ मेरा जूते। ओए गौरी एक बार बता, जूते में ये वाली पहनूं वो वाली पहनूं? ये वाला अच्छा लगेगा, इसके पक्का। ये जो कल पहना था ये ज्यादा मैच करेगा। गौरी कह रही है वो जूता कल तो तुमने यही पहना था ना? नहीं कल वो पहना था, ये तो आते हुए पहना था। एक बार दोबारा से दोनों जूता देखते हैं, जो हमसे सही लगेगा वो पहनेंगे। हाँ गौरी अब बताओ कौन सा पहनो? ये वाला अच्छा लगेगा, ये वाला। डार्क नीला है तो फिर ये जूता पहनेंगे, क्योंकि गौरी ने सेलेक्ट किया है। ओके है ही, परफ्यूम थोड़ा सा लगाना होता है, जैसे पूरे रात तक ज्यादा लगाओगे तो आपकी हड्डी तोड़ दूंगा मैं। वो कहा है, टूर पे आए ये लोग, चीजें मेरी यूज कर रही है ये, मैं मजाक में बोलो तो माइंड ना करे आप लोग। माइंड तो कर लीजिए, माइंड इसी बार दोबारा यूज तो नहीं करेंगे, गाली चेक चेक कर लो, कुछ बोल बाल तो नहीं गए। चलो दोस्तों फाइनली चेकआउट कर रहे हैं, 9:15 हो गया और अभी चेकआउट कर रहे हैं। ओके चाबी निकाल लेते हैं, लाइट बंद, चाबी निकालते हैं, लाइट बंद जाती है। हमारे कमरे को लॉक, कुछ नहीं हो, मच्छर मच्छर था। चले तू जो छूने प्यार से,
अरे वाह मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है बाहर तो। अरे चाबी मैं थोड़ा ले जाऊंगा, चाबी तो इनको देनी है ना अभी। थैंक यू भैया जी। तो भाई पैकिंग पैकिंग सब हम छोड़ कर के आगे गाड़ी में पैक कर दिया हमने अपना सारा सामान। अब हम वापस नहीं मतलब अब चल रहे अपने नए लोकेशन पे। क्या व्यू होगा, क्या माहौल होगा, सब दिखाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, सब चीज़ हम दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहे, मजा आने वाला। चलो गिव मी माय फोन। चलो जाने वाला है कहीं, तो ऐसे रहता ना। भाई जब कुछ भी नहीं दिख रहा इधर तो, कुछ भी नहीं। हाँ यहाँ वाटरफॉल पे रुकते ना यहाँ पे। ये गाड़ी नहीं लग पाएगी, वही लग पाएगी। हमने भैया ने गाड़ी पार्क कर दी है और अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और सामने एक वाटरफॉल है जो आप लोग देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और अभी हम यहाँ पे सोच रहे हैं फोटो क्लिक करने की, वीडियो बनाने की। एक आदि तो क्या कहते हैं आप लोग, बना लिया जाए, क्लिक कर लिया जाए फोटो। पकड़ना एक बार मेरा फुल आउटफिट दिखाओ जल्दी। जिंदगी गाड़ी आ रही है, जिंदगी कुछ नहीं है, पहले से बच के रहो भाई। हाँ तो एक ही जिंदगी से खुल के जियो, बट गाड़ियों से बच के, ऐसे कोई खा ले जाएगा साथ में अपने। हाँ एक और गाड़ी आ रही है, अभी फोटो क्लिक करने चलते हैं आप, है ना। और क्या ही नजारा है दोस्तों, देखा चश्मा। मंत्रम यार छाता में मेरे को भी लो यार, देखिए मैं कह रहा हूँ छाता में मेरे को भी लो। भाग भी मटी बहुत ही प्यारा लोकेशन है, मेरा जी कर रहा है ना इस पे जाने का मेरा जी कर रहा है, बट मैं कल तेज चला गया तो मैं ऊपर कैसे आऊँगा। मैं चला तो जाऊँगा, ऊपर कैसे आऊँगा, टफ है थोड़ा सा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपने बहुत फोटोग्राफर देखे होंगे बट ऐसे फोटोग्राफर देखे होंगे। इनका पोज देखो, मेरे को मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा इधर, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। मैसे फालतू को जंप करो, फालतू को मज़े करो, बट मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और मैं इधर मज़े करने आया हूँ एक तरफ साइड करके, क्योंकि जीवन में बहुत टेंशन चल रही है, बहुत भसौड़ी चल रही है, बहुत चीज़ें चल रही है, बट फिर भी मैं सारी चीज़ों को साइड करके इधर आया हूँ घूमने, मज़े करने, चिल करने, मौज काटने। ओके भाई हमने बहुत सारी फोटो क्लिक कर ली, बहुत सारी वीडियो बना ली है जो कि अभी स्टेटस लगाने वाला हूँ मैं। ये कैसा लगा, मज़ा आया, मजा आया प्रशांत भैया, मजा आया गौरी, बहुत मजा आया। चलते हैं अब। चलो अभी हम आ गए दूसरे लोकेशन पे। ये कौन सी जगह है, खजियार आए हम, वहाँ से फोटो क्लिक करके इतना मारूंगा ना। हाँ फालतू के बकवास करवा लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है, यहाँ पे हम क्या फन कर पाते हैं। कीड़े मकोड़े तू नहा के आया कर ना, टूर पे आइए नहाते नहीं है कीड़े मकोड़े कहाँ जाएंगे बता। बारिश तो हल्की हल्की हो रही है बट मजा आ रहा है, लेकिन ना ठंड लग रही है पता है आपको, जैसे दिल्ली में गिरता हुआ। तो दोस्तों हम पहुंच के, देखो वेलकम टू मिनी स्विट मेरा कद्दू स्विट्जरलैंड। हाँ अरे वाह, देखते हैं यहाँ पे कैसा माहौल है और क्या सीन है। ओके क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने जी बताओ तो। ये देखो भाई ये यहाँ का मेन्यू ऑर्डर करो, तो पूरा पानी हो गया। बारिश के मौसम में ऐसी चाय मिल जाए मज़ा ही आ जाता है ना। थैंक यू भैया। इन लोगों ने ये मेरे से पूछा भी नहीं, और जब से मैं कई बार सोच रहा हूँ कि पूछे बोला नहीं, तो मैंने बोला नहीं, मैं सच में सोच रहा हूँ कि एक बार भी पूछ ले तो थोड़ा टेस्ट कर लो। कैसे यार, थोड़ी देर के लिए हम नाश्ता पानी करने के आ गए, मौसम ने तो अपनी मतलब मौसम ने एकदम मज़ा ही दिलाता है। देखना अभी यहाँ पे पूरा आर पार दिख रहा था, बट यहाँ पे अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, बट बहुत मज़ा है, बहुत बहुत बढ़िया लोकेशन अभी है फिलहाल। चले भाई उससे तो भाई कुछ चीज़ें ना हम ऐसे ही फील कर सकते हैं, कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। जैसे कि ये माहौल है अभी ना, जो ये मेरा नेट यूज़ हो गया 50%, जो मैं देख पा रहा ना वो मतलब चाह के मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता बहुत। तो दीदा
यहाँ पे आपको खाने की काफी सारी चीजें मिल जाएगी, जो हल्का फुल्का होता है ना, मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर मिल जाएगी बहुत सारी चीजें ना सुनिए, तो आप ऐसे कुछ हल्का खा सकते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो लिखा है भैया यहाँ पे वहीं पे जा रहे हैं। ओके, अभी हम वही जा रहे हैं और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मजे आए। भाई हमारे अंदर इतनी चुल्ल है कि हमें कहीं और जाना है अभी। नहीं नहीं, वो नहीं गिरेगा, और वो रास्ता है जहाँ हम जाएंगे अभी, जहाँ हम जाएंगे वो 3 घंटे का रास्ता है, ठीक है। और हमें रास्ते में ना ये बादल दिख गए यहाँ पे, तुम इसे एक बार सही से देखो, मैं एक मिनट यहीं पर रोक रहा हूँ, देखो बादल मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ना, कौन सा मैं छू दूंगा, तो ये पौधा छूना है ना, अरे ये ना ऊपर की तरफ होता कोई चीज़ है। नहीं तो ना हम यहाँ पे रुक गए फोटो वीडियो के लिए, और अब यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, और आधा आधा पौन घंटा हो गया हम यहाँ पे रुके हुए, हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके थे कि हम 5 मिनट रुकेंगे, और 35 मिनट्स हो गए, और मैं थोड़ा सा और आगे जा रहा हूँ, और आगे जा रहा हूँ। आप देख सकते हो, अब बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको, यही ट्रिप पे मेरे से ज़्यादा हुआ। हमारे को लग रही है भूख, और अभी टाइम हो गया 4, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, हम जा रहे थे एक्चुअली में धर्मशाला, वहाँ रुकते बट भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हमने आज सुबह से बस वही बिरयानी थोड़ी सी खाई और चाय। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमारे को खाने को। क्या क्या है गौरी? दाल है, चावल है, आलू मटर है, राजमा चावल है। दाल, हाँ देख लो, जो उनसे करवाना करवा लो। हाँ जी भाई, फेस बहुत बेकार हो रहा था अभी, एक बार मैं फेस वॉश करके आया हूँ। धान, धान के खेत है ना, धान का, हाँ धान, धान का खेत है, अभी नया नया, मतलब अभी रिसेंट मुझे लगा है बोया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसे होता है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या खाने को मिलता है, और सहाने में मैं जो ना मुझे देख के बहुत देर से हंस रही है, क्या हुआ? इससे पहले आपने इतने स्मार्ट लड़का देखा नहीं क्या? दिमाग तो खाएंगे ना, मैं आपस में बात कर रहा हूँ, आपके घर तो मैं गया भी नहीं, और दिमाग खाऊँ भी तो एक बार को ये भैया बोलेंगे तो समझ आता है, आप दोनों को कहाँ से मतलब आते हैं बोलने कि दिमाग खा रहे नहीं, ये बोलेंगे तो, ये बोलेंगे इनका समझ भी आता है, अगर ये बोलेंगे तो समझ भी सकता हूँ मैं, लेकिन अरे तो इनका तो समझ आता है, तुम लोग को क्या बताओ, प्रूफ करना पड़ेगा। मजा आ गया खाना खा के, एकदम घर का खाना था, एकदम स्वाद एकदम बढ़िया था, दाल रोटी एकदम चपाती नॉर्मल, जो नॉर्मल हम घर में बनाते सेम वही, तो एकदम मस्त, मजा आ गया। उधर वही, उधर मजा, उधर घी लो रखा है, चल रहे वापस, घी ले उधर बहुत ज़्यादा, कर पाया बट ये पत्थर बहुत बड़ा, ये वाला बहुत बड़ा। भाई हम दोबारा से पहुंच गए तिब्बतियन मार्केट, अब यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढने पे, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है, पार्किंग ढूंढ रहे, उसके बाद होटल ढूंढते हैं, मतलब ऑनलाइन चेक किए तभी ढूंढते भी। अभी हमें मैक्लोरगंज, अभी ये भैया ले जा रहे हैं हमारे को होटल दिखाने, तो मैं और गौरी जा रहे हैं होटल देखने, ठीक है चलो देखते हैं कैसे कैसा होटल है, कैसे ये है यहाँ की मार्केट। अरे देख के रूम हमारे को मिल चुकी है, मतलब ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा महंगा है बट कोई बात नहीं, ठीक है चलता है, ठीक है हम देख के आए थे। हाँ, और क्लीन होना सबसे जरूरी चीज होती है। यस, वो अलग बात है कि हमें बस रात रात को मतलब अभी रुकना है, मॉर्निंग तो हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे बट फिर भी थोड़ा बहुत तो सही होना चाहिए ना, तो अभी हम चल रहे हैं उन लोगों को भी लेके आते हैं, प्रशांत और सहना मैम को, और फिर देखते हैं क्या सीन है। चलो भाई, गाड़ी भी पार्किंग में लग गए हमारी, अब हम चल रहे हैं वापस, ये देखो हालात, तुम छोड़ो सामान में बहुत सारे, चले पकड़ लेगा बारिश दोबारा से, और हम बारिश में जा रहे हैं, लेके आऊँ गौरी के लिए लाफिंग, और नाराज थी पता नहीं गुस्सा है, बहुत देर से ढूंढ रहे थे बट उसको मिला नहीं, तो हम लेके आए हैं। हाँ जी, पहुंच गए होटल, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म।